पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसको PTSD बोलते हैं। और मन के ऊपर घाव लगा है तो उसके बाद में ये बीमारी होती रहती है। PTSD जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम से पहचानी जाती है। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो PTSD ये बीमारी अक्सर कुछ ना कुछ मन के ऊपर घाव लगने से होती है। कुछ असॉल्ट हो गया, फिजिकल असॉल्ट हो गया, शारीरिक किसने आपत्ति लाया, मतलब मार पड़ी, झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, या सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, या किसका घर में डेथ हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया बड़ा, या वॉर हो गया, जंग हो गई और उसमें कोई है सैनिक तो उसको फिर ऐसा होता है, या कोई नेचुरल डिजास्टर, नैसर्गिक आपत्ति होती है, भूकंप आना या बाढ़ आना, ऐसे इसमें फिर ये बीमारी होती रहती है। इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल शॉक बैठ जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल शॉक, भावनाओं का अतिरेक हो जाता है। और बाद में फिर लक्षण जो है वो है कि गुस्सा आना, छोटी छोटी बात के ऊपर चिड़चिड़ापन करना, डर लगना, नर्वसनेस, उदासीनता, डिप्रेशन, फिर गिल्ट फीलिंग होता है कि क्या मैंने, मेरे वजह से ऐसा हुआ क्या, डेथ मेरी वजह से हुई क्या, या मेरे वजह से एक्सीडेंट हुआ क्या, इसलिए गिल्ट लगता है। नींद नहीं आती है, या नींद में से अचानक उठ जाते हैं डर के मारे, या कोई ऐसे भयावह सपने पड़ जाते हैं और वो सपने से फिर चीख के उड़ जाता है। और जो सिचुएशन में हुआ है वो सिचुएशन की थोड़ी भी याद आती है तो फिर ऐसे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर वो सिचुएशन वो अवॉइड करना चालू कर देता है, जाता नहीं उस सिचुएशन में या उसके बारे में बात नहीं करता। तो ऐसी कोई घटना हो गई है उसके 3 महीने के बाद में भी ऐसा हो सकता है, या तुरंत वो कंटिन्यूएशन भी ऐसा हो सकता है, और बाद में थोड़ा ठीक लगता है और मगर उस वो जो सिचुएशन उसकी याद आ गई तो फिर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे डेथ एनिवर्सरी है कि मरने के बाद 1 साल हो गया, अभी उसका कुछ फंक्शन है समझो डेथ एनिवर्सरी का, या एक्सीडेंट हुआ है उसके उसका 1 साल हो गया, या जंग में वॉर में कोई अपना घर का मारा गया उसका साल हो गया, ऐसा कुछ भी उसकी याद दिलाने वाला कोई इंसिडेंट हो गया तो फिर से वही के वही सिम्टम आ जाते हैं। इसमें हिप्नोथेरेपी बहुत अच्छी काम करती है, सम्मोहन उपचार, मानसोपचार, फिर दवाइयाँ, अल्प्राजोलाम, क्लोनेजेपाम, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस, वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऐसे सब उपचार हम करते हैं जिससे बहुत अच्छा आराम पड़ सकता है। मगर इसमें वो इलाज नहीं किया तो आदमी खामोखा सफर होते रहता है और फिर उसमें फिर उसके गैर असर अपने बॉडी के ऊपर आते हैं, फिजिकल इलनेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो तुरंत इलाज करना बहुत जरूरी है। हमारा ऐप है, वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उसमें से काफ़ी जानकारी आपको और मिलेगी। और यह वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू वेरी मच।